प्रदेश की खट्टर सरकार और स्वास्थ्य मंत्री भले ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लाख दावे करते नहीं थकते हों, लेकिन धरातल पर आज भी तस्वीर बिल्कुल इसके उलट है, जिसका जीता जागता उदाहरण आज रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में उस वक्त देखने को मिला जब एक प्रसूता अपने लाल को जन्म देने के लिए एक से दूसरे अस्पताल में चक्कर काटती रही, लेकिन उसे कहीं भी बेड नसीब नहीं हुआ और आखिरकार महिला को अस्पताल के बेंच पर अपने लाल को जन्म देना पड़ा। जी हां, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि एक प्रसूता किस कदर अस्पताल के बेंच पर डिलीवरी के दौरान करहा रही है, लेकिन यहाँ उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। मीडिया कर्मियों के पहुंचने के बाद महिला को तमाम सुविधाएं मुहैया करवाई गई। दरअसल यूपी का रहने वाला विपुल अपने परिवार के साथ रेवाड़ी जिले के गांव झाडौदा में एक ईंट के भट्टे पर मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा चलाता है। आज विपुल की पत्नी 21 वर्षीय रोशना को डिलीवरी होनी थी, इसके लिए वह नाहड़ अस्पताल में गया, जहाँ से चिकित्सकों ने उसकी हालत को देखते उसे कौसली भेज दिया, मगर कौसली के चिकित्सकों ने अपना पल्ला झाड़ते हुए उसे रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहाँ पहुँचने के बाद जब रोशना के भाई हमीदुल ने डॉक्टरों के आगे उसकी नाजुक हालत को लेकर गुहार लगाई तो यहाँ मौजूद चिकित्सकों ने उसकी एक ना सुनी और कमरे से बाहर लेते हुए लाइन में लगने को कहा, मगर आधे घंटे तक बाहर लाइन में खड़ी रोशना ने अस्पताल के बेंच पर ही अपने लाल को जन्म दे दिया। जी हम कुछली से हैं, लेकिन हॉस्पिटल में तो हम डॉक्टर के पास गया था, ये मतलब सीरियस में है, इनको भर्ती कर लो, इनको थोड़ी देर बाद में बैठ जाओ, फिर हम बाद में करेंगे, फिर बाद में यहीं पे बच्चा मिले इसको बाहर पे, फिर वहाँ अंदर नहीं हुआ, बच्चा बाहर ही हो गया, बाहर ही बच्चा हो गया, बस कोई आते हैं। नहीं, आप दिखाया नहीं डॉक्टर को, दिखाया तभी डॉक्टर बोला मैं तुम बाहर में जाओ, फिर हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। अच्छा, डॉक्टर आया ही नहीं, फिर डॉक्टर आया ही नहीं, फिर हम जब दोबारा जब गया फिर देखा बच्चा बाहर है। कितनी देर तक बैठे रहे तुमको? जी कम से कम आधा घंटा तो बैठा था हम, कोई नहीं आया, नहीं कोई नहीं आया था, हमने बार बार बोला भी डॉक्टर साहब देखो हमारा मरीज बहुत सीरियस है, ठीक है ठीक है बस करते करते। प्रदर्शनकारियों की माने तो यहाँ आने वाली हर महिला के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। बीती रात भी डिलीवरी कराने के लिए आई एक महिला को दर्द ना होने पर नर्स ने उसकी थप्पड़ों से पिटाई की, ऐसे में डॉक्टरों की लापरवाही साफ दिखाई पड़ती है। और प्रसूति कराने आई महिलाएं जिनका बैठना तक दुबर होता है, उन्हें कई कई घंटे लाइन में खड़े रहने को मजबूर होना पड़ता है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है, पहले भी इस अस्पताल में इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अधिकारी कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं और उन्हें यहाँ आने वाले मरीजों कोई सरोकार नहीं है। पर्स पे डिलीवरी हुई है, कैसे क्या बताएं पूरा है? वो अंदर लेके गए हैं, देखे उन्होंने, चेक भी किया बकायदा, चेक करने के बावजूद कहते बाहर बैठो अभी लाइन में लगो, जैसे वो लाइन में आके लगी है वहीं लड़का हो गया उसका। क्या डॉक्टर ने ध्यान नहीं दिया इस पे? बिल्कुल लापरवाही हो गई मेरी, जैसे पेशेंट की और कल परसों हुआ भी है, बहुत बिगड़े हैं, बहुत चिल्ला चिल्ला के दो दो वापिस चली गई है, वापिस चली गई है दो दो। इस तरह से सीरियस पेशेंट था तो इस तरह से तो और भी हालत बिगड़ सकती है, बिगड़ सकती है। आते हैं जैसे टाइम टाइम आउट, रात को कोई आई है लेडीज, उसके मुंह पे थप्पड़ मारे हैं नर्सों ने, रात को दर्द हो ही नहीं रहे तेरे को, दर्द ले तू, दर्द हो कैसे, दर्द आएगी तभी तो दर्द लेगी ना, दर्द ले तू, चिल्ला रही है ऐसे चिल्ला रही है, यानी मार पिटाई भी की गई, थप्पड़ मारी है, पता नहीं, ये नहीं पता किसने मारी है, थप्पड़ मारी है। पेशेंट है मेरे साथ में, उनको मैं लेके आया था, इनकी लाइनिंग जरूरी, पेशेंट की प्रॉब्लम से ज़्यादा। तो अभी जो डिलीवरी हुई है वो कहाँ हुई है? वो डिलीवरी वो स्लैब पर हुई है, फर्श पे ही हुई है, यानी जो बाहर बैठे ना लाइनिंग पे, उनके लास्ट लाइनिंग में जो पेशेंट थी। कितनी देर तक यहाँ पेशेंट रहा? कम से कम 15 से 20 मिनट। उसको एडमिट नहीं किया गया? एडमिट नहीं किया, वो लाइन बोले लाइन से लगाओ, बाहर नर्स खड़ी है, सिस्टर खड़ी है, वो बोले पहले लाइन लगाओ, लाइन में लास्ट नंबर था उसका, वहीं पर पेन हुआ, पेन के बदले। क्या माना जाए, डॉक्टर की लापरवाही है? डॉक्टर की लापरवाही भी है और साथ में नर्स है, ऐसे ही सुपरवाइज सिक्योरिटी सुपरवाइजर खड़े कर रखे हैं। दिखाया आपने? ना ना, डॉक्टर को नहीं दिखाया? डॉक्टर को दिखाया, दो बार दिखाया, उल्टी दिए, बाहर निकल दे, बाहर निकल दे, डॉक्टर निकाल दिया। हाँ, तब बड़ा तो अंदर में घुआ, फिर बैठ जाए, उसमें आ गया बच्चा। अच्छा, वो हाथ में पर्स पे ही हो गया बच्चा जो।
जब इस मामले को लेकर अस्पताल के SMO से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, डिलीवरी पीरियड फुल टाइम था, इसलिए मरीज के आते ही डिलीवरी हो गई। जहां तक डॉक्टरों की लापरवाही का सवाल है तो मामले की जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्या पूरा मामला है? इसका पूरा मामला ऐसा है, ये अभी के अभी फुल में जैसे कोसली नार से रेफर हुई, नार से कोसली गई, कोसली से ही आई, तो आते आते ही उसका फुल हो गया और जो आते ही बैठते ही वो डिलीवर कर गई। उसके बाद हमने एडमिट कर लिया और एडमिट करके हमें अंदर जच्चा बच्चा दोनों खुश हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से प्रत्यक्षदर्शी और उसके परिजन बता रहे हैं कि 15 से 20 मिनट हो गए थे लाए हुए और वो कह रहे थे कि लाइन में लगने के बाद ही यहाँ पे लाइन आप देख रहे हो, यहाँ पे मैटरनिटी में कोई लाइन ही नहीं है, हमने इसका अलग काउंटर बना रखा है, रजिस्ट्रेशन पे भी अलग है, सब कुछ अलग है। नर्सों के द्वारा मारपीट की भी यहाँ बातें सामने आई है? नहीं, तो 2 मिनट ही तो हुए पेशेंट आए, मारपीट का इस केस में ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, पेशेंट अंदर गया ही नहीं, अंदर जाने से पहले ही यहाँ पे हमारे हॉल में जो हॉल है यहीं पे डिलीवर हो गया, बाहर से ही फुल होके आया पेशेंट एकदम, ठीक है ना। तो कोसली से नाड़ से फिर यहाँ नहीं, रात को जैसे बता रहे हैं कि रात को एक पेन के कारण रात वाला जो भी है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर उस पर अपन कार्रवाई करेंगे। सीरियस पेन हुआ, उसके बाद उसकी पिटाई की गई, थप्पड़ लगाए गए नर्सों के द्वारा उसको, ऐसा मैं एक बार जो इंचार्ज है मैं एक बार उनसे बात कर लेता हूँ, ऐसा कुछ मान लो अगर किसी ने किया है तो उस पर सख्त कार्रवाई और हम निकाल देंगे। सीरियस कोई पेशेंट आता है उसको भी तवज्जो नहीं दी जाती है, नर्स और डॉक्टर जो शांत बैठे रहते हैं लाइन में लगने कहते हैं, जिस तरह से आप डिलीवरी, अब तो कोई ऐसे देखो लाइन में तो बारी बारी तो आएंगे भी, सीरियस पेशेंट होगा उसको भी लाइन में लगाओ, सीरियस पेशेंट को लाइन की जरूरत ही नहीं है, सीधा यहाँ पे आ जाओ आप, उधर से लाइन देखो। तो आपके सामने नज़ारा साहब का, आपके आंखों के सामने जो फर्ज पर डिलीवरी हुई अभी, उस वो भी तो सीरियस पेशेंट था जिसकी फर्ज पर, ये हमें क्या पता वहाँ से सीरियस आ रहा है, हमें तो देखते ही वो तो पेशेंट आया यार, एक मिनट में ही डिलीवर हो गया अपने हॉल में, अंदर भी ऐसा भी नहीं कि भाई कहीं बाहर हुआ है, जो अपने जो मैटरनिटी का परिसर है इसमें कोई आदमी भी नहीं होता, और ये हमने इमरजेंसी के लिए बनाया हुआ है, इनके इसकी बहुत ज़्यादा तो हम यहाँ पे वार्ड भी बना लेते हैं, तो बाहर ऐसा नहीं हुआ, पर फिर भी यानी कि वहाँ से शायद थोड़ा सा लेट रेफर हुआ हो या कुछ ऐसा। उस महिला ने बताया कि हमें अंदर पहले चेक किया गया, फिर हमें कर्मा सामने इस तरह की आई गड़बड़ आया तो कुछ जांच करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसा कुछ गड़बड़ आया तो अपन बिल्कुल इंक्वायरी करेंगे और जो दोषी होगा ना कार्रवाई 100%। अब देखना ये होगा कि क्या इस मामले में अस्पताल प्रशासन दोषी लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाता है या फिर इसे भी पहले की तरह ठंडे बस्ते में ही डाल दिया जाएगा और मरीजों के स्वास्थ्य से इसी तरह खिलवाड़ होता रहेगा। आड़ी से जाट टीवी न्यूज के लिए अजय अत्री की रिपोर्ट।